गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आजकल तलाक लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, तलाक आसानी से मिल जाता है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो तो वो और भी आसानी से मिल जाता है। दोनों पार्टीज़ को डिवोर्स लेने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर वाइफ डिवोर्स देने से मना कर दे तो ऐसे में क्या होगा, पति को क्या करना चाहिए, हस्बैंड को क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट उसको डिवोर्स आसानी से मिल जाए। कई बार वाइफ ये सोचती है कि चलो मेंटेनेंस तो मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंथली मेंटेनेंस कोर्ट के थ्रू मिल रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है। और अगर वाइफ कैरेक्टरलेस हो तो हस्बैंड के लिए और प्रॉब्लम का सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि वाइफ सोचती है कि चलो फ्रेंड्स के साथ मैं तो एंजॉय कर ही रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो मिल ही रहे कोर्ट के थ्रू, वन टाइम सेटलमेंट के लिए क्यों जाऊँ, क्योंकि हर महीने पैसे मिलेंगे तो ईजिली मेरा लाइफ कट जाएगा। बट ऐसे कंडीशन में हस्बैंड का लाइफ हेल हो जाता है, हस्बैंड के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसे सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जैसे कि आपको डिवोर्स मिल सके इजीली और अपनी लाइफ आप अफ्रेश स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिवोर्स का ग्राउंड्स क्या होता है। तो सबसे पहला डिवोर्स का ग्राउंड होता है क्रुएल्टी, यानी मारपीट करा हो तो। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए सेम होता है। मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी, किसी टाइप का क्रुएल्टी हो सकता है। जस्ट मारपीट ही नहीं, इसमें मेंटल क्रुएल्टी आ जाता है और फिजिकल क्रुएल्टी तो आता ही है। दूसरा आता है एडल्ट्री, यानी उसने किसी और के साथ कोई रिलेशन है, यानी कि फिजिकल रिलेशन है। डिजर्शन, यानी उसने छोड़ दिया है बहुत टाइम से। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन आता है। नेक्स्ट उसके आता है मेंटल डिसऑर्डर, अगर उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर फेस कर रहा है तो। लेप्रोसी भी इसमें आता है, जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया है बिकॉज साइंस और मेडिसिन वगैरह ने काफ़ी तरक्की करने की वजह से ये डिजीज़ नहीं आ रहा है, बट हाँ लेप्रोसी भी उसके कैटेगरी में आता है। वेनरल डिजीज आ सकता है। रेनन्शिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी उसने दुनिया का कि जो भी रिवाज है वो सारी चीज़ें छोड़ने के बाद उसने साधु बन गया है या संत बन गया है, तो रिनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड में आता है। नेक्स्ट आता है मिसिंग फॉर 7 ईयर्स, अगर 7 साल से मिसिंग है हस्बैंड या वाइफ कोई भी, अगर मिसिंग है मोर देन 7 ईयर्स तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है। जुडिशियल सेपरेशन, यानी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री अगर आपको मिली है तो आप उसको बेस बना के आप डिवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ RCR, अगर हस्बैंड के फेवर में RCR, हस्बैंड या वाइफ किसी को भी RCR की अगर डिग्री मिल गई है, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री मिल गई है, तो उस बेस पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये तो ग्राउंड्स थे हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, लेकिन कुछ और ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ वाइफ को मिलते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड ने किसी और के साथ शादी कर लिया है तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है वाइफ के पास कि वो डिवोर्स ले सके। अननेचुरल सेक्स, अगर हस्बैंड ने एनिमल के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है। डिग्री ऑफ मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस का डिग्री वाइफ के फेवर में चला गया है तो वाइफ उस बेसिस पे भी डिवोर्स ले सकती है। और नेक्स्ट आता है अगर हस्बैंड ने वाइफ के जो भी उसको मैटेरियलिस्टिक सुख मिलना चाहिए, जो उसको शारीरिक सुख मिलना चाहिए हस्बैंड से, अगर वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वाइफ को, जो कि वाइफ का राइट है कि उसे जो एक हस्बैंड के नाते उसको एक फुलफिल करने की ड्यूटी फुलफिल करने की है टुवर्ड्स हर वाइफ, वो अगर नहीं दे पा रहा है तो भी उस बेसिस पे डिवोर्स का एक ग्राउंड बन सकता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब कंडीशंस को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, वाइफ ने ऑलरेडी एविडेंसेस कलेक्ट करके रखे हुए हैं पहले से ही, तो आपको डिवोर्स नहीं मिल पाएगा, आपका केस बहुत ही वीक हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मैं कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताने वाला हूँ जिसमें कि आप इजीली अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं और डिवोर्स का केस जीत सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप सेक्शन 9 का केस फाइल करें। सेक्शन 9 का केस तब फाइल होता है जब वाइफ मायके चली गई है और आपको उधर से उसको अपने घर पे लाना है, यानी ससुराल में लाना है, तो आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप केस ये जीत जाते, वाइफ नहीं आ रही है, केस जीत जाते हैं अगर, तो इस आधार पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं और डिवोर्स का केस इजीली आप जीत जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन अगर आप नहीं फेस कर रहे हैं, सपोज़ आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है, एक ही छत के नीचे रह रही है, तो आपको डिवोर्स लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन आता है सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसे जुडिशियल सेपरेशन बोलते हैं। सबसे पहले आपको कोर्ट में एप्लीकेशन डालना होगा, एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट करना होगा कोर्ट को कि साहब मैं अपनी वाइफ के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता, इसके लिए मुझे जुडिशियल सेपरेशन दिया जाए बिकॉज हम दोनों का जम नहीं रहा है और मैं इसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वाइफ से तलाक लेने का। अगर आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आपके फेवर में मिल जाती है तो आप इजीली डिवोर्स के लिए जा सकते हैं और डिवोर्स इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप इन आधारों पर नहीं जाना चाहते हैं, इन आधारों पर अगर आप केस नहीं करना चाहते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं बट वाइफ मना कर रही है तो म्यूचुअल डिवोर्स लेने से, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए?
फिर भी आप चाहते हैं कैसे भी करके मैं म्यूचुअल डिवोर्स ले लूँ, म्यूचुअल डिवोर्स क्योंकि इजीली हो जाता है और बहुत ही कम खर्चे में भी हो जाता है, तो आप म्यूचुअल डिवोर्स अगर लेना चाहते हैं, वाइफ फिर भी रेडी नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है कि डीवी का केस फाइल करा देना। जी हाँ, डीवी का केस सिर्फ वाइफ नहीं फाइल कर सकती है, जो भी और घर के फीमेल मेंबर्स हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। तो आप कर ये सकते हैं कि आप मदर सिस्टर से किसी से भी डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करा सकते हैं। अगर हस्बैंड ये केस जीत जाता है तो होगा ये कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है वाइफ को प्रेशराइज करने के लिए। अगर नहीं जीतते हैं तो भी अगर आप केस कर देते हैं तो वाइफ पे काफ़ी प्रेशर बनता है और इस प्रेशर के थ्रू वो नेगोशिएशन टेबल पे अगेन आने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर उसने गलती से भी, क्या होता है कि वाइफ जब केस फाइल करती है, 125 का भी केस फाइल करती है या फिर 498A का FIR करती है, तो उसमें बहुत सारे लोग ये मेंशन करते हैं कि डाउरी दिया हुआ था, इतना डाउरी दिया हुआ था, जबकि डाउरी लेना या देना दोनों अपराध है अंदर सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। मैं गिफ्ट की बात नहीं कर रहा, गिफ्ट जो खुशी से दिया जाता है, बट डाउरी फोर्सफुली लिया जाता है, डाउरी मांगा जाता है कि सो एंड सो टर्म्स एंड कंडीशन में शादी करूंगा, ये सामान मिलना चाहिए, वो डाउरी में आता है। गिफ्ट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम डाउरी। तो क्या होता है कि अगर डाउरी, अगर वाइफ ने किसी भी केस में, किसी भी FIR में मेंशन करा कि इतना डाउरी दिया था, तो उसने एक्सेप्ट किया कि डाउरी दिया है, तो डाउरी देना और लेना दोनों अपराध है अंदर सेक्शन 3। तो होगा ये कि वाइफ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं सेक्शन 3 के अंदर मैं केस करूंगा तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने डाउरी लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कोर्ट को बताना हो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैंने डाउरी लिया है, बट वाइफ क्लेम करे, इसके लिए मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो डाउरी देना और लेना दोनों अपराध है, तो इस सेक्शन के अंदर में 5 साल तक का जेल टर्म का प्रोविजन है, तो 5 साल तक का जेल भी हो सकता है। और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है कि सो दैट वाइफ प्रेशराइज होके वो फिर आए नेगोशिएशन टेबल पे, बात करें कि हाँ जी म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं चलिए, सो दैट हम लोग फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकें अलग अलग। नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है डिफेमेशन का, यानी वाइफ ने, कई बार ये होता है कि, और कई बार क्या जनरली यही होता है कि जब भी कोई ऐसे मैटर के कोर्ट में जाते हैं उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई रहती है, फैमिली में लोग एक दूसरे को गाली गलौज मारपीट ये सारी चीज़ें हुई रहती है, पब्लिक सोसाइटी में उल्टा सीधा बोलना, भरा बुरा बोलना, ये सारी चीज़ें हुई रहती हैं, वाइफ ने इंसल्ट करा होता है, तो ऐसे में आप डिफेमेशन का केस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 500 IPC इंडियन पिनल कोड के अंदर में आपके पास डिफेमेशन का केस करने का ऑप्शन है। और सबसे लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, जिसे मैं रामबाण इलाज बोलता हूँ, ये रामबाण इसके लिए है क्योंकि आपको करना क्या होगा कि वाइफ के जो भी प्यारे प्यारे भाई हैं, उनके सिस्टर हैं, उनके उसकी पेरेंट्स है, रिलेटिव है, या फिर और कोई भी जो है जो फिनेंशियली स्ट्रांग है उसको सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, रेलवे में है, या फिर कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन करें, उसको भी पार्टी बनाएं सो दैट वो सपोर्ट करे फिनेंशियली। कोई ना कोई, देखिए क्या होता है कि फिनेंशियली कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता है, जस्ट नॉट फिनेंशियली, और भी तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज 1000 केसेज में से एक ही केस होता होगा जिसमें वाइफ को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा होता है। 99.9% केसेज में ये होता है कि वाइफ को सपोर्ट मिल रहा होता है, तो जो भी सपोर्ट करा आप उसको भी अपने कंप्लेन में डालें सो दैट वो प्रेशराइज हो, और प्रेशराइज होने के बाद वो टूटे और चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करें। वो उनको ये लगे कि नहीं, ये चीज़ों से मेरे को बाहर आना चाहिए, क्योंकि उनको भी बुलाया जाएगा, वो भी इन सब चीज़ों में आगे उनको आना पड़ेगा, कोर्ट में पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो उनको आप प्रेशराइज कर सकते हैं। और द सेम वे वाइफ पे भी प्रेशर जाएगा, वाइफ भी टूटेगी, दबेगी, और उसे नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा, उसे नेगोशिएट करने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।